हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल वर्सटाइल निशा। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ब्रेड पिज्जा की रेसिपी। इसके थ्रू आप बच्चों को वेजिटेबल भी खिला सकते हो, प्लस आपको कोई ओवन की जरूरत नहीं है बनाने के लिए। आप घर के नॉर्मल तवे के ऊपर भी ये रेसिपी बना सकते हो। मैंने सबसे पहले ले लिया था शिमला मिर्ची, कैप्सिकम, और आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से इसे छोटे छोटे टुकड़े डाइस में कटिंग कर दिए थे। आपको कोई और शेप में करने आप कर सकते हो। फिर मैंने लिया एक टोमेटो, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने कोशिश करी कि मैं ट्रायंगल शेप में काटूं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ बनाना था पिज्जा के ऊपर, तो मैंने देखो ट्रायंगल शेप में कटिंग किया। हाँ, टोमेटो के अंदर थोड़ा पल्प रहता है, अगर आपका टोमेटो के अंदर ज्यादा पल्प है तो आप उसे साइड में निकाल कर उसके बाद में जो ऊपर का हिस्सा रहता है उसको आप कटिंग कर सकते हो। आपके हिसाब से आपको पीसीज बनाने हैं, जितने बना सकते हो, जितने पिज्जा आपको बनाने हैं उतने आप बनाइए। फिर मैंने ली थी पर्पल कलर की गोभी, आप इसमें एक ऑनियन भी ले सकते हो गाइस, पर मेरा बच्चा नहीं खाता है, दैट्स वाई मैंने पर्पल कलर की गोभी ली थी। आप नॉर्मल गोभी भी ले सकते हो, कोई और चीज़ भी ले सकते हो, कैरेट भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई और वेजिटेबल अगर आपको करनी है, बीन्स वगैरह वो भी कर सकते हो। इसमें आप येल्लो कलर के कॉर्न भी यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद मैंने लिया था अमूल का मोजरेला चीज़, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हो, मोजरेला चीज़ लोगे तो ज़्यादा बेटर है। पिज्ज़ा में के अंदर जो चीज़ की कंसिस्टेंसी रहती है, जैसी बच्चों को चाहिए रहती है वैसी परफेक्ट आती है, लेकिन आप कोई और चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, क्यूब वाला चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हमें फाइनली इसे करना तो ग्रेट ही है और हर किसी के घर में ऐसा ग्रेटर रहेगा, इसलिए मैंने दोनों बता दी, बड़ा वाला भी और छोटा वाला भी, जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप उससे पहले तो सारा चीज़ ग्रेट कर साइड में रख लीजिए। आप ऊपर भी कर सकते हो फाइनली पिज़्ज़ा बनाते टाइम पर, लेकिन मैं अलग से करना प्रीफर करती हूँ पहले ग्रेट करके रखना, क्योंकि जब हम तवे के ऊपर करते हैं या हम पिज़्ज़ा के ऊपर करते हैं बहुत सारा चीज़ साइड में फैल जाता है जिससे वो वेस्टेज होता है गाइस। इसके बाद मैंने यहाँ पर ले ली थी कुछ ब्रेड की स्लाइसेस, हाँ मैंने ज़्यादा ली थी, 6-7 ली थी, क्योंकि मेरे बच्चे को टिफिन में वो खाता तो 2 ही है, लेकिन उस दिन उसके स्कूल में था शेयरिंग डे, फूड शेयरिंग डे, दैट्स वाई उसके फ्रेंड्स के लिए भी हमें भेजना था, तो मैंने थोड़ा 4 पिज्जा एक्स्ट्रा भेज दी ताकि वो अच्छे से शेयरिंग करके खा पाए। और इस तरीके से उसकी सारी साइड की कॉर्नर भी कटिंग कर लेनी है हमें, और फिर इसे एक बेस के ऊपर आपको लगा के प्रॉपर तरीके से रख लीजिए, ताकि आप जो भी मटेरियल यूज कर रहे हो आपको प्रॉपर दिखे कि ये प्रॉपर क्वांटिटी में हर एक पिज्जा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि हर एक का टेस्ट सेम आना चाहिए, किसी का टेस्ट ऐसा, किसी का टेस्ट ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने इसके ऊपर डाली थी नॉर का पिज़्ज़ा सॉस, आप कोई भी पिज़्ज़ा सॉस या होममेड पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हो गाइस। पिज़्ज़ा सॉस जो है ना, ये पिज़्ज़ा की मेन जान रहती है, बाकी तो ऊपर चीज़ वगैरह रहता है, हम कोई उसके अंदर मसाले तो और डालते नहीं है, और चिली फ्लेक्स वगैरह बच्चे खाते नहीं है, तो उनके लिए तो सॉस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो मैं नॉर का पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करती हूँ। आपको इस तरीके से सारे ब्रेड के ऊपर वो प्रॉपर तरीके से फैला देना है। उसके बाद में जो हमने ग्रेट करके चीज़ रखा था ना, उसको मैंने सबसे पहले थोड़ा थोड़ा करके डाला कि ये प्रॉपर तरीके से 6 के 6 पिज़्ज़ा के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर मुझे लास्ट में थोड़ा सा कम पड़ा था तो मैंने और थोड़ा सा चीज़ ग्रेट कर लिया था, और उसके बाद में मैंने एकदम अच्छे तरीके से सबके ऊपर वो फैला दिया था, क्योंकि जगह खाली नहीं रहनी चाहिए गाइस। अगर बच्चे कैसे रहते हैं ना, ये बच्चों के लिए भेजना था, जिसमें ज़्यादा चीज़ रहेगा ना वो जल्दी खा जाएंगे, जिसमें कम चीज़ रहेगा ना वो पिज़्ज़ा छोड़ देंगे, दैट्स वाई मैंने प्रॉपर तरीके से 6 के 6 पिज़्ज़ा के अंदर सारा चीज़ मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया था। उसके बाद में जो वेजिटेबल हमने कटिंग करके रखे थे ना, जैसे कि ग्रीन कलर का कैप्सिकम था, उससे मैंने क्या करी, एक एक पीस उसके लगा के मैंने ना उसकी आइज़ बना दी। इसलिए मैं बोल रही थी आपको कि आप कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हो, आप इसकी जगह कॉर्न भी यूज़ कर सकते हो, कैरेट भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी वेजिटेबल जो आपका बेटा खाता है, आपका बच्चा खाता है, वो मैंने यहाँ पर उससे कैप्सिकम से उसकी आइज़ बना दी थी। फिर जो मैंने ट्रायंगल शेप में टोमेटो कटिंग करे थे ना, उससे मैंने एक नोज़ बना दी, सारे पिज़्ज़ा के ऊपर परफेक्ट शेप में मैंने नोज़ की शेप में रख दिया था। उसके बाद जो हमने कैबेज ग्रेट करे थे, थोड़ा सा कैबेज कटिंग करे थे, उसे मैंने वहाँ पर से उसका लिप्स बना दिए थे, हाँ थोड़ा इमोजी टाइप का बन गया, एक थोड़ा नाराज सा लग रहा है उसके अंदर और एक थोड़ा स्माइली फेस भी लग रहा है। आप अपने तरीके से कोई भी वेजिटेबल यूज़ करके कर सकते हो। फिर मैंने एक पैन को गर्म करने के लिए रखा था मीडियम आंच के ऊपर एकदम ही, और उसके ऊपर मैंने डाला बटर, आप कोई भी बटर यूज़ कर सकते हो, सॉल्टेड अनसॉल्टेड जो भी आपको चाहिए,
चाहिए। और जो ब्रेड था हमने उस मैंने उसको तवे पे डाला थोड़ा सा, क्योंकि उसमें क्रिस्पीनेस आ जाए और उसका जो चीज़ है वो पिघल जाए गाइस। तो उसको 5 मिनट के लिए ना स्लो गैस के ऊपर अगर आप ढककर रख दोगे ना, तो चीज़ जो है मोजरेला चीज़ हमने डाला है वो प्रॉपर तरीके से मेल्ट हो जाएगा, जिससे वो बच्चों को जो पिज़्ज़ा का टेस्ट चाहिए रहता है वो आएगा। अगर हम प्रॉपर तरीके से चीज़ को मेल्ट नहीं करेंगे और इसी तरीके से उसे दे देंगे तो ग्रेटेड चीज़ उसके मुंह में आता है और वो पिज़्ज़ा का मेन जो टेस्ट है वो नहीं आता है। मैंने यहाँ पर लाइन बाय लाइन पूरे 6 के 6 पिज़्ज़ा कर रेडी कर दी थी और फिर मैंने मेरे बेटे को ये टिफ़िन में दिया। डेली वो टिफ़िन रिटर्न लाता है, लेकिन उस दिन वो कुछ भी रिटर्न नहीं लाया, पूरा फिनिश करके लाया गाइस। तो अपने माइंड के हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके इस तरीके से तवे के ऊपर पिज़्ज़ा बनाकर बच्चों को दे सकते हो। और आपने अगर यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है गाइस, तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे लाइक शेयर मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए।